नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाला 4 दिवसांनंतर उद्यासाठी कोविशील्डचा 300 डोस मिळालेले आहेत। हे 300 डोस कोणाला देण्यात येणार आहेत आणि संपूर्ण खडकीसाठी किती डोस आलेले आहेत याची माहिती खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह आपल्याला देत आहेत। ते काय म्हणतात ते आपण बघूयात। खडकी के नागरिकों से अनुरोध है कि 300 डोजेज कोविशील्ड के मिले हैं और कल इसका वैक्सीनेशन होना है, तो जिनका सेकेंड डोज अवेटेड है कृपया वही लोग आए, फर्स्ट डोज वाले ना आए। सेकेंड डोज के 300 लोग जो है उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और 800 डोजेज मिले हैं जिसमें 200 डोज OFH के खड़की एमिनेशन फैक्ट्री को, AFK को 200 डोज मिले हैं, रेलवे हॉस्पिटल को 100 डोज मिले हैं और कैंटोनमेंट को 300 डोजेज मिले हैं। तो जो लोग पहला वैक्सीनेशन का डोज लेना चाहते हैं वो पुणे शहर में लगभग 30 अलग अलग सेंटर से वहाँ से पहला डोज ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये खड़की के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें सेकेंड डोज लगाना है उन लोगों का जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, तो इसलिए कल पूरे दिन भर केवल सेकेंड डोज वालों को ही प्राथमिकता दी जा रही है और तकरीबन 300 वैक्सीन जो है सेकेंड डोज वालों को दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सेकेंड डोज वाले अवेटेड हैं कृपया खड़की छावनी परिषद के अस्पताल में संपर्क करें और अपना वैक्सीनेशन कराएं। कल लगभग 10:30 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और देर शाम तक चलती रहेगी। 6 बजे तक बिल्कुल चलता रहेगा, उसके बाद भी चलेगा जब तक से 300 डोजेस कंप्लीट ना कर लिए जाएं। इसलिए आप कृपया आकर के सेकेंड डोज जरूर ले लें। मित्रांनो, उद्या येताना पाण्याची बाटली बरोबर आना, आपल्याला रांगेत बराच वेळ थांबावं लागणार आहे, त्यामुळे घरचं पाणी आणलेलं जास्त सुरक्षित असेल। तुमचं आधार कार्ड आणि तुमचा फोन आपल्याबरोबर असणं आवश्यक आहे। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या आणि अपडेट आम्ही आमच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत। आमचं बातमी.in या न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।